कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दे को लेकर मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके जरिए जबरन वसूली कर रहे हैं। वायनाड में प्रचार अभियान के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार व्यापारियों को डरा रही है। मीडिया से बात करते हुए राहुल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी डेटा रिलीज को रोकने की कोशिश की गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेटा रिलीज होना चाहिए तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था, किन डेट्स पे पैसा दिया गया, किसको दिया गया, जब ये डेटा मांगा गया उसको भी किसने रोका। क्लियर सी बात है, ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है, इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन किया कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है और ये प्रधानमंत्री ने कॉन्सेप्चुलाइज किया है। किसी भी सीईओ से जाके पूछिए, वो आपको बता देगा कौन उनको फोन करता है, इनके कौन से लीडर फोन करते हैं बता देगा, मुझसे क्या पूछते हो। राहुल ने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छापे मारकर व्यापारियों से पूछताछ करते हैं और फिर उन्हें अपना कारोबार अडानी को सौंपने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी को मुंबई एयरपोर्ट का काम इसी तरीके से मिला। कोझिकोड जिले के कोडियाथुर में रोड शो के दौरान राहुल ने लोगों को संबोधित करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र भी किया। रोड शो में राहुल ने कहा कि मोदी का काम देश में लोगों को असल मुद्दों से भटकाना है। उन्होंने देश के हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1,00,000 रुपए देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऐसा कानून बनाएगी जिससे देश के हर ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर को 1 साल की पेड इंटर्नशिप मिलेगी। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा।